राजस्थान के बांसवाड़ा में शनिवार को भंडारिया हनुमान मंदिर के पास की नहर में एक बाइक सवार के बहने की खबर मिली। जानकारी के मुताबिक बाइक में चार लोग सवार थे। बाइक सवार पति पेशे से शिक्षक बताया जा रहा है। शिक्षक अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बीते दिन कहीं दर्शन करने के लिए गया था। वहीं से लौटते समय उनकी तेज रफ्तार बाइक डिसबैलेंस होकर नहर में गिर गई। पत्नी कविता की किस्मत अच्छी थी कि वो किसी तरह एक पाइप के जरिए बच गई, लेकिन उनके पति और दोनों बच्चे बह गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सिविल डिफेंस की टीम ने रविवार को पिता और बेटे के शव को बरामद कर लिया है। दोनों मृतकों के शव को बांसवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चरी में भिजवाया गया, लेकिन अभी भी 3 साल की बच्ची की तलाश जारी है।